हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्ट्रेटजिक सॉक्स। वेल, ये वीडियो इज़ द आउटपुट ऑफ अ डिस्कशन जहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे निफ्टी 20 के बारे में, और उसने बोला कि वो निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट तभी पसंद करता है जब मार्केट गिरती है, ठीक है, और लॉजिकल भी लगता है। मैक्सिमम लोगों को ऐसे लगता है कि मार्केट जब फॉल करेगा तो निफ्टी 20 या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करके फ़ायदा मिलता है। एक थॉट प्रोसेस आया मेरे माइंड में कि देखते हैं कि क्या निफ्टी 20 में अगर हम मंथली SIPs लगाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम कैसा रिटर्न पा सकते हैं। इन पैरेलल अगर निफ्टी 20 में हम जब ड्रॉप आता है, लेट्स से 2% या 5% का ड्रॉप आता है, तभी हम लमसम पैसे लगाएं और इसको SIP के मोड की तरह ही लगाएं, तो कैसे रिटर्न्स आएंगे इसमें। क्या हमें फॉल पे पैसे लगाने चाहिए अगर हम इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, या फिर हमें जो है एक फिक्स डेट पर मंथली जो है पैसे लगाने चाहिए, तो इसको हम बैक टेस्ट करते हैं आज। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज निफ्टी 20? निफ्टी 20 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। दैट मीन्स व्हाट, इसको आप जस्ट लाइक स्टॉक्स जो है ट्रेड कर सकते हो, मतलब इसमें फिजिकली आप डीमैट अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे लाइव मार्केट में आपको जो है स्टॉक्स खरीद सकते हो, उसी तरह से निफ्टी 20 को भी आप खरीद सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, तो आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपको स्टॉक्स बेचने के लिए कोई सामने जो है बायर नहीं मिल रहा। एंड ऑब्वियसली अगर आप निफ्टी 20 को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप निफ्टी को ही बाय सेल कर रहे हो, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं चार्ट में, ये ब्लू कलर में जो है, ब्लू कलर में हमारा निफ्टी है और ऑरेंज में जो है वो निफ्टी 20 है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो हैं, दैट मीन्स टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हैं, उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा निफ्टी 20। तो जिस तरह से निफ्टी में मूवमेंट आएगा, आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं दिखेगा आपको ऑरेंज एंड ब्लू लाइन में, उसी तरह से आपका निफ्टी 20 में चेंज आएगा। सो इट इज़ डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द निफ्टी 50, दैट मीन्स प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है। दैट मीन्स जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, उसमें हमारा पैसा लग रहा है अगर आप निफ्टी 20 को बाय कर रहे हैं, राइट। और आप देख सकते हैं क्लियरली, हम काफ़ी पुराने चार्ट से देख रहे हैं, तो निफ्टी 20 राउंड अबाउट 2002 से शुरू हुआ था, 2002 से ऑनवर्ड्स जो है 10 रुपीज़ से प्राइस शुरू हुआ था, और 10 रुपीज़ से लगभग जो है आज की डेट में 194-195 के आसपास जा चुका है। हम देखेंगे कि इसके SIPs में कैसे रिटर्न आ रहे हैं। तो चलिए एमई ब्रोकर पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिस्टम जो है हमारा दिखाता है। ये हमारा एमई ब्रोकर सॉफ्टवेयर है जहां हम बैक टेस्टिंग करेंगे। हमने देखा कि 2002 में जब 10 रुपीज़ से वैल्यू शुरू हुई थी निफ्टी 20 की, वो आज की डेट में जो है 194 रुपीज़ पहुँच चुकी है। और क्योंकि हम निफ्टी 50 स्टॉक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम प्रॉपरली इंडियन मार्केट को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क फैक्टर उतना नहीं है, क्योंकि ये कभी भी ज़ीरो नहीं जाएगी वैल्यू। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पावरफुल टर्न्स हैं। अगर आप लमसम भी लेके चलो, किसी ने 2002 में अगर 10 रुपीज़ पे इसको लिया होगा, तो उसका वैल्यू 194 पहुंच चुका है। बट राइट नाउ और माइंडसेट इज़ SIP इन्वेस्टमेंट, तो हम मंथली जो है एक बार जो है मंथली 1000-1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके देखेंगे कि उसमें हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और सेकंड बैक टेस्ट हम करेंगे जहां पर हम 1000-1000 का माइंडसेट ही लेके चलेंगे, बट वहां पर जो है जब निफ्टी में फॉल आएगा, क्योंकि आप क्लियर देख सकते हैं कि निफ्टी में काफ़ी फ्रीक्वेंट फॉल्स आते रहे हैं, तो जब निफ्टी में फॉल आएगा थोड़ा नीचे को, तभी हम अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से मैं बैक टेस्टिंग करूँगा। सबसे पहले हम 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर मंथ के स्टार्टिंग में, और इसको 2002 से अब तक की डेट में हम देखते हैं क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा और क्या हमारे रिटर्न्स आएंगे। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर आपने हर महीने 2002 से 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, तो आपने लगभग जो है 240,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, और एंडिंग कैपिटल आपका 1,218,000 के करीब पहुंच जाता। दैट इज़ 407% गेन आपको मिलता, ठीक है। ये आपका SIP मोड में लगभग जो है 14% के करीब जो है एनुअल रिटर्न्स है
आप इस फिगर्स को मत जाइएगा रिटर्न्स के, क्योंकि ये किसी और हिसाब से बैक टेस्ट हो रखे हैं। क्योंकि आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये रिटर्न जो है लगभग 14% के आसपास पहुंच जाता है। तो अब मेरा सेकंड माइंडसेट ये रहा कि अब तो सेकंड माइंडसेट ये हमारा है कि हम निफ्टी में इन्वेस्ट कब करेंगे, जब हमारा 5% का फॉल आएगा और जो है वो 30 डेज में पिछले आया होगा। दैट मीन्स व्हाट, लेट्स से मैं जनवरी 2022 से स्टार्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी बीस, लेट्स से मैंने सोचा है कि मैं हर महीने 1,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करूँगा निफ्टी बीस में। तो मेरा माइंडसेट है कि जब मार्केट जो है 5% का फॉल आएगा एक महीने के अंदर, तब मैं निफ्टी बीस में इन्वेस्ट करूँगा। दैट मीन्स व्हाट, लेट्स से जनवरी में वो फॉल नहीं आया, जनवरी में निफ्टी बीस राइज करता रहा और फेब में जो है निफ्टी बीस का फॉल आया 5% का, तो इस फॉल के साथ जो है मैंने 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए उस फॉल में। दैट मीन्स एग्जैक्टली 5% की निफ्टी के गिरने पर मैंने 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, जनवरी के भी 1,000 रुपीज़ और फेब्रवरी के भी 1,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से जो है जब जब फॉल आएगा तब तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और मैं ओवरऑल जो पिछला जो है इन्वेस्टमेंट महीने का नहीं किया मैंने, वो सारा पैसा वो तब लगाऊंगा। तो आई बिलीव दैट वो क्लैरिटी है, जब जब फॉल आएगा मार्केट में तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो पिछला कैपिटल हमने लगाया था 2,40,000 रुपीज़ का, वो सेम कैपिटल अब भी हम लगाएंगे। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस। तो हमारा कैपिटल देखिए यहाँ पर 2,40,000 जो था वो बढ़कर 1,20,000 पहुँच गया है। तो हम पिछले वाले से कंपेयर करें अगर हम, तो मंथली में जो है हमारा एंडिंग कैपिटल था 1,21,000 रुपीज़, और इस तरह से जब हम फॉल में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा कैपिटल है 1,28,000 रुपीज़। मतलब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिला है बट इतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा निफ्टी को, और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा निफ्टी को ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आप जो है मंथ के स्टार्टिंग में बिना सोचे इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और मैंने मैक्सिमम सेटिंग्स देखकर, मैक्सिमम फॉल्स देखकर जो है मैंने बैक टेस्ट कर लिया था, तो ऐसा कोई फ़ायदा इतना नहीं मिलता जब आप फॉल्स में ही इन्वेस्ट करते हो निफ्टी में। आपको जो है अगर आप हर मंथ के स्टार्टिंग में SIP इन्वेस्टमेंट करो तो आपको उतना ही गेन मिलता है जितना गेन जो आपको एक फॉल में इन्वेस्टमेंट करने में मिलता है। सो आई बिलीव दैट एवरीवन इज़ क्लियर अबाउट दिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।